कि यहाँ के बच्चे एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सदैव आगे की ओर बढ़ते रहें, और इसी तरह से आलम साहब फाउंडेशन जिस तरह से आप बच्चों को मदद करके, हमारी शुभकामनाएं आलम साहब फाउंडेशन के साथ है कि जिस तरह से आप लोग बढ़ रहे हैं उसी तरीका से पूरा फाउंडेशन बढ़े, देश बढ़े, प्रदेश बढ़े। आप लोग आदरणीय अतिथिगण, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और आदरणीय मंच, आज हम सब यहाँ 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं शाजिया मेहर आलम साहब फाउंडेशन की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत एक छोटी सी शायरी से करना चाहूंगी। फना होने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ कर की नहीं जाती। आज हम जिस आजाद खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं उनका श्रेय हमारे वीरों को जाता है जिन्होंने अपने बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। हमें उनके महत्व को समझना होगा और अपने आने वाले जनरेशन को समझाना होगा। मैं ये मानती हूँ कि अपने व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को तीन रंग में रंगना देशभक्ति नहीं है, और ना ही ये कहना कि साल में दो बार हाथ में तिरंगा ले लेना आजादी है, देशभक्ति है। आलम साहब फाउंडेशन इस कार्य में हमेशा तात्पर्य रहता है कि किस तरह से अपने देश के लोगों को उनके देशभक्ति के लिए जागरूक करें। मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत शहीदों को नमन करते हुए करूंगी, और सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी वंदे मातरम के लिए हमारे आलम साहब फाउंडेशन की छात्रा संस्कृति का। मातरम सुजलाम सुफलाम मलय जशीतलाम शश्यामलम, मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सोप्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आप तमाम आए हुए अतिथिगण को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आप तमाम लोगों में से कुछ लोग पुराने होंगे जो हमारी संस्था आलम साहब फाउंडेशन और मैं आयशा से परिचित होंगे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आलम साहब फाउंडेशन ने मुझे फिर से एक मौका दिया है कि मैं आप तमाम लोगों के बीच अपनी बात या अपने विचार को रख सकूं। मैं आयशा खान आलम साहब फाउंडेशन के उन महान हस्ती के बारे में बताना चाहती हूँ जो हम जैसे गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचा करते थे और उन्होंने बहुत कुछ किया भी है। जी हाँ, मैं आलम सर की बात कर रही हूँ। आलम सर ने कंप्यूटर को एक माध्यम बनाकर हम जैसे गरीब बच्चों को शिक्षा के आगे बढ़ाने का एक कार्य किया है। इन्होंने आलम साहब फाउंडेशन को एक इंस्टीट्यूट के रूप में खोलकर हमारी बहुत सहायता की है, और उन्हीं की पत्नी साथ साथ रेहाना मैम ने भी ब्यूटिशियन मेहंदी सिलाई जैसे कार्यक्रम को गरीब महिलाओं के लिए लाया, जिससे हर गरीब महिला अपना रोजगार और अपने परिवार का पालन पोषण कदम से कदम मिलाकर कर सकती है। हम तमाम लड़के और लड़कियां अपने आप को कभी सोच भी नहीं पाए थे कि इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आलम सर एंड रेहाना मैम का जिन्होंने हमें अपने पैर पे खड़े रहने के काबिल बनाया। हम खुदा या भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आलम सर और रेहाना मैम जैसे लोग इस धरती पर भेजते रहे। समय बहुत ही ज्यादा नहीं है और समय बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हम प्रोग्राम को यहीं पे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उन लोगों की अगर तारीफ करने जाऊं तो शायद वक्त बहुत लगता है, क्योंकि उन लोगों की इतनी अच्छाई है ना कि बयां करने पर भी खत्म नहीं होगी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू। आज के समय में शिक्षा से ज्यादा कोई। अब मैं अपने प्रोग्राम का यहाँ पे समापन करती हूँ। सभी बच्चों ने सभी
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, और आगे भी जो भी प्रोग्राम हो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमेशा आते रहें, इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में शामिल होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।